हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ट्यूशन क्लासेस। आज हम जॉब कॉस्टिंग एंड बैच कॉस्टिंग चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 4 सीखने वाले हैं। सो आइए देखते हैं क्वेश्चन 4 में क्या दिया हुआ है। एज अ न्यू कॉस्ट अकाउंट, अकाउंट नहीं होगा अकाउंटेंट होगा, एज अ न्यू कॉस्ट अकाउंटेंट अपॉइंटेड इन अ कंपनी यू फाइंड दैट सेलिंग प्राइस ऑफ जॉब नंबर 101 हैज बीन कैलकुलेटेड एज फॉलोज। अब एक न्यू अकाउंटेंट अपॉइंट हुआ है, आपको अपॉइंट किया गया है, तो आपने क्या देखा कि ये कॉस्ट अकाउंट का डिटेल दिया हुआ है। एनालिसिस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज फॉलोइंग। अब कॉस्ट अकाउंटेंट ने जो कैलकुलेट किया है और नीचे जो पीएनएल एनालिसिस दिया हुआ है उसे कंपेयर कर हमें फाइनली बनाना क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट, ड्रॉप जॉब नंबर 101 कॉस्ट शीट। सेकंड, कैलकुलेट द रिवाइज्ड कॉस्ट यूजिंग ओवरहेड फिगर्स एज शोन इन द लास्ट ईयर। एंड थर्ड, एट 10% ऑफ टोटल कॉस्ट टू डिटरमाइन सेलिंग प्राइस। 10% प्रॉफिट भी ऐड करना है। सो नाउ अब आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है मटीरियल 120.8, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट ऑफ जॉब नंबर 101 मटीरियल। तो मटीरियल है 120.80। देन लेबर, मटीरियल के बाद वेजेस दिए हुए हैं, तो मैं यहाँ पर वेजेस लिखता हूँ मटीरियल प्लस वेजेस। आप वेजेस या लेबर दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। 22 hours into ₹2.50 per hour. So 22 hours into 2.5, तो ये हो जाएगा ₹55। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे 55, सो 55 प्लस 120.80, तो ये हो गया 175.80। तो इसे हम कहेंगे प्राइम कॉस्ट। ये हो गया हमारा प्राइम कॉस्ट। इस चैप्टर से पहले अगर आपने यूनिट कॉस्टिंग चैप्टर किया है तो ये आपको ज़्यादा हार्ड नहीं लगना चाहिए। ओके, सो नाउ आगे प्राइम कॉस्ट में हम आगे ऐड करेंगे प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स, अब फैक्ट्री ओवरहेड्स में है ना, इनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, ए डिपार्टमेंट, बी डिपार्टमेंट एंड सी डिपार्टमेंट, और उनके एक्सपेंसेस भी दिए हुए हैं। सो यहाँ पर हमें कैलकुलेशन करना होगा कि टोटल फैक्ट्री का एक्सपेंस है 12,500, 20,000 एंड 5,000, टोटल 37,500। बट इस फैक्ट्री में ये जो जॉब हुआ है, इस जॉब की मीनिंग आपको मैंने लेक्चर 1 में समझाई थी, सिर्फ 22 आवर्स ही काम हुआ है इस जॉब पर। तो हमें पहले कुछ कैलकुलेशन करना होगा, ठीक है। कैलकुलेशन कैसे, पहले तो मुझे आवर्स चाहिए, टोटल आवर्स कितने यूज हुए हैं। सो टोटल आवर्स, काम कितना हुआ है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा टोटल वेजेस डिवाइड बाय रेट। टोटल वेजेस डिवाइड बाय रेट। सो अब डिपार्टमेंट ए का देखें हम। सो डिपार्टमेंट ए में कितने वेजेस लगे हैं, तो आप वेजेस देखिए टोटल 25,000 है और रेट है 2.5। 2.5 कहाँ से आया, ये रहा 2.5, ऊपर दिया हुआ है 2.5 पर ले पर आवर। सो अगर मैंने 25,000 के टोटल वेजेस पे किए हैं और 2.5 पर आवर है, तो इसका मतलब है 10,000 आवर्स काम किया होगा वर्कर्स ने, ठीक है। देन बी डिपार्टमेंट, तो बी डिपार्टमेंट के वेजेस देखो कितने हैं, तो वो दिया हुआ है क्वेश्चन में 30,000। तो 30,000 डिवाइड बाय 2.5। एंड सी डिपार्टमेंट में जो काम हुआ है उसके टोटल वेजेस हैं 20,000 डिवाइड बाय 2.5। सो 30,000 डिवाइड बाय 2.5,
तो यहाँ पर लिखेंगे 12,000 आवर्स एंड 20,000 डिवाइड बाय 2.5 तो ये होगा 8,000 आवर्स। इट मींस इन डिपार्टमेंट में इतने घंटे काम हुआ है, हम अपने मजदूरों को लेबर्स को 2.5 रुपीस पर आवर दे रहे हैं। ए डिपार्टमेंट में उन्होंने 10,000 आवर्स काम किया होगा तभी तो उन्हें 25,000 मिला ना, बी डिपार्टमेंट में 12,000 आवर्स काम किया होगा और सी डिपार्टमेंट में 8,000 आवर्स काम किया है वर्कर्स ने। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स का पर आवर रेट क्या होगा? फैक्ट्री ओवरहेड्स लेबर का तो एक जैसा होता है लेकिन फैक्ट्री का एक जैसा नहीं होता है। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में देखो टोटल एक्सपेंस कितना हुआ है, 12,500 ए डिपार्टमेंट, तो ए डिपार्टमेंट में है 12,500 टोटल एक्सपेंस। एंड ए डिपार्टमेंट के आवर्स कितने हैं यहाँ पर हमने काउंट कर लिया है, ये रहे 10,000। सो 10,000 12,500 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा रुपीस 1.25 पर आवर। ठीक है, नाउ बी डिपार्टमेंट। अब बी डिपार्टमेंट में कितना है, तो बी डिपार्टमेंट में है 20,000 और बी डिपार्टमेंट के आवर्स कितने हैं, तो 12,000 आवर्स। सो 20,000 रुपीज एक्सपेंस हुआ है, ये मैंने यहां से लिया, ये देखिए पीएनएल में दिया हुआ है, और 12,000 आवर्स अगर काम हुआ है सो 20,000 डिवाइड बाय 12,000 करेंगे तो 1.66 आ रहा है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ रुपीस 1.67 पर आवर। एंड सी डिपार्टमेंट में, अब सी डिपार्टमेंट में देखें तो सी डिपार्टमेंट के ये रहे बुक में देखिए आप एक्सपेंस कितना है 5,000 और सी डिपार्टमेंट के आवर्स हैं 8,000 तो यहाँ पर लिखेंगे 8,000 आवर्स। सो 5,000 डिवाइड बाय 8,000 तो ये हुआ रुपीस 0.625 पर आवर। अब यहाँ पर हमें फैक्ट्री ओवरहेड का पर आवर रेट मिल गया, ये हमने पर आवर रेट काउंट कर लिया फैक्ट्री ओवरहेड्स के लिए, ये कैलकुलेशन कर ली। अब इस कैलकुलेशन का हम यूज़ यहाँ पर करेंगे। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में देखिए कि ए डिपार्टमेंट बी डिपार्टमेंट और सी डिपार्टमेंट में कितने कितने आवर्स काम हुआ है, तो ये यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है कि ए डिपार्टमेंट में 10 आवर्स, बी डिपार्टमेंट में 4 आवर्स एंड सी डिपार्टमेंट में 8 आवर्स काम हुआ है। सो 10 आवर्स, 4 आवर्स एंड 8 आवर्स ये हुआ है काम इसमें, 10, 4 एंड 8। और उनका जो पर आवर का कॉस्ट है वो है 1.25, ये हमने यहाँ से कैलकुलेट किया है। ठीक है, 1.25, 1.67 एंड 0.625। सो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो 10 इंटू 1.25 तो ये आ जाएगा 12.5, 4 इंटू 1.67 तो ये हो जाएगा 6.68 है, 6.68 है तो 6.70 कर देती, 6.7 एंड 0.625 इंटू 8 तो ये हो जाएगा 5 रुपीस। अब टोटल करेंगे तो 5 प्लस 6.7 प्लस 12.5 तो ये हो गया 24.2 यानी 20। ठीक है, और अब यहाँ पर हम इसे ऐड करेंगे 175.8 तो ये हो जाएगा 200 रुपीस। सो ध्यान से समझो इस पॉइंट को स्टूडेंट्स कि इन्होंने किया क्या, ये जो कॉस्ट शीट बनाई गई थी ना इसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स अंदाजे से लिख दिए गए थे, कैसे कि 1/3 होंगे, 1/3 नहीं होंगे। रियलिटी क्या है, रियलिटी है
कि 12,500, 20,000 एंड 5,000 लगा। तो अब उसमें इस प्रोडक्ट के लिए ए बी सी कितने आवर्स यूज हुए, सो 10, 4 एंड 8, ओके। और 10, 4 एंड 8 आवर्स यूज हुए हैं तो उनका पर आवर रेट क्या है, तो पर आवर रेट यहां दिया हुआ है कि ये पर आवर रेट है। सो पर आवर रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आया, और इस आंसर में हम ये ऐड करेंगे तो हमारा फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा। फैक्ट्री कॉस्ट भी कह सकते हैं या हम इसे वर्क्स कॉस्ट भी कह सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट ऐड करना है इसमें सेलिंग ओवरहेड्स। सेलिंग ओवरहेड्स, अब सेलिंग ओवरहेड्स कितने लिखे हैं तो वो देखिए कि क्लियरली दिया हुआ है, ये रहा। एड 10% ऑफ टोटल कॉस्ट टू डिटरमाइन सेलिंग प्राइस। अब 10% यहां पर ऐड करना पड़ेगा सेलिंग ओवरहेड्स का। ये है प्रॉफिट, सेलिंग एक्सपेंस यहां पर दिया हुआ है 1,50,000। अब 1,50,000 सेलिंग एक्सपेंस है तो हमें देखना है कि इसके लिए सेलिंग एक्सपेंस कितने होंगे, इस जॉब के लिए सेलिंग एक्सपेंस कैसे होंगे। तो अब उसके लिए फिर से हमें सेलिंग ओवरहेड्स के लिए मैं यहाँ पर नोट 1 लिख देता हूँ, या एक काम कीजिए फैक्ट्री ओवरहेड्स के लिए नोट 1 लिख देते हैं हम यहाँ पर नोट 1। ये आपका नोट 1 का कैलकुलेशन हो गया फैक्ट्री ओवरहेड्स का, ठीक है। अब सेलिंग ओवरहेड्स के लिए मैं यहाँ पर नोट 2 लिख देता हूँ। तो अब हम यहाँ पर नोट 2 कैलकुलेट कर लेते हैं, नोट 2। अब सेलिंग ओवरहेड्स कैसे कैलकुलेट होंगे वो समझते हैं। सो सेलिंग ओवरहेड्स के लिए हमें पहले कॉस्ट चाहिए कि हमारा कॉस्ट कितना होगा। अब कॉस्ट के लिए फॉर्मूला है कॉस्ट इक्वल्स टू सेल्स माइनस जीपी। ये आप स्टैंडर्ड 12th में रेशियो चैप्टर में करके आए हो। तो सेल्स है 6,75,000 एंड ग्रॉस प्रॉफिट, ये मैं यहाँ से ले रहा हूँ, सेल्स 6,75,000 एंड ग्रॉस प्रॉफिट 1,75,000। सो 675 माइनस 175 तो ये हो जाएगा कॉस्ट 5 लाख, ओके। अब मैं यहां पर ऐसा लिख रहा हूं, इक्वेशन बना रहा हूं कि इफ कॉस्ट 5 लाख, अगर कॉस्ट 5 लाख है तो सेलिंग एक्सपेंस कितना है, कॉस्ट 5 लाख तो सेलिंग एक्सपेंस 150 है, सो इफ कॉस्ट इज, कॉस्ट कितना है 200, इफ कॉस्ट इज 200 देन सेलिंग एक्सपेंस हाउ मच। सो अब क्या होगा, 200 इंटू 1,50,000 डिवाइड बाय 5 लाख, तो ये आंसर आ रहा है 60 रुपीज़। 200 इंटू 1,50,000 डिवाइड बाय 5 लाख तो ये आ जाएगा 60 रुपीज़ सेलिंग एक्सपेंसेस। सो यहाँ पर सेलिंग ओवरहेड्स 60 रुपीज़ मैंने ऐड कर दिया तो ये आंसर हो गया 2,260, विच इज़ आवर टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट में इन्होंने प्रॉफिट ऐड करने के लिए बोला है, कितना प्रॉफिट ऐड करना है, तो 10%। सो प्रॉफिट 260 इंटू 10%, सो दैट इज 26। सो 260 प्लस 26 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 286, और यहाँ पर हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस।
चेक कर लेते हैं आंसर है कि नहीं है 286, तो आप देखिए यहाँ पर आंसर दिया हुआ है सेलिंग प्राइस 286। अब मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ कि इस समय एक समय था क्या, इस पूरी फैक्ट्री का PNL दिया हुआ है, पूरा सेल दिया हुआ है, टोटल GP दिया हुआ है, पूरी फैक्ट्री के टोटल ओवरहेड्स दिए हुए हैं, पूरी फैक्ट्री का सेलिंग एक्सपेंस दिया हुआ है। हमें डिसाइड करना है कि ये जो जॉब आया है हमारे पास, ये जॉब, इस जॉब, इस पर्टिकुलर जॉब जिसका नेम है जॉब नंबर 101, उसकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी। सो फिर से बताऊं, मटेरियल और वेजेस तो सेम लिए, प्राइम कॉस्ट मिल गया। फैक्ट्री ओवरहेड्स के लिए पहले हमने यहाँ पर आवर्स काउंट किए और उन आवर्स के रिलेटेड इस जॉब में कितने आवर्स काम किया है मजदूरों ने, लेबर ने, तो उसके हिसाब से फैक्ट्री ओवरहेड्स काउंट किया। फिर सेलिंग ओवरहेड्स देखा, तो टोटल इनका कॉस्ट था 5 लाख, जिसमें सेलिंग एक्सपेंस थे 1,50,000। तो इस प्रोडक्ट का कॉस्ट 200 था, तो इस प्रोडक्ट के सेलिंग एक्सपेंस कितने होंगे वो हमें मिल गए। फिर हमने उसमें प्रॉफिट ऐड किया एंड फाइनली हमें सेलिंग प्राइस मिल गया। सो होपफुली स्टूडेंट, एक अच्छा सा कह सकते हैं एक इम्पॉर्टेंट सम था, मीन्स इसमें हमारे काफ़ी न्यू पॉइंट्स कवर हुए। सो अब आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, मैं एक एक पेज करके आपको देता जा रहा हूँ। ये फर्स्ट पेज है जिसमें मैंने पूरी कैलकुलेशन आपको समझा ली, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। या सेकंड पेज है इसका और ये थर्ड पेज। चलिए स्टूडेंट, सो ये लेक्चर मैं यहीं पूरा करता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के सम्स कंटिन्यू करेंगे।